हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिलन कुमार महापात्र है। मैं बौद्ध जिले का रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन अभी राजभाषा अधिकारी के रूप में पंजाब एंड सिंध बैंक में हुआ है। मैंने अपना इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन बौद्ध पंचायत कॉलेज से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं 2013 में पहली बार भुवनेश्वर आया बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए। मुझे बैंकिंग में पहले से ही रुचि थी। मुझे बैंक ऑफिसर बनना था क्योंकि बैंक देख के ही मैं बड़ा हूँ। घर के पास बैंक था तो उसमें मुझे ज़्यादा रुचि थी। 2013 में आने के बाद 14-15 तक मैं प्रिपरेशन करता गया। भुवनेश्वर के बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में प्रिपरेशन करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो मुझे लगा ये कितना दिन चलेगा उसका कुछ सही ठिकाना नहीं है, सही वक्त पता नहीं है। इसलिए मैंने अपना एमए कंप्लीट करने की कोशिश की। मैंने 2015 से 2017 तक अपना एमए कंप्लीट किया उत्कल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बदल चुका था। फंडामेंटल कोर्स 2-3 बार कर चुका था। उसके बाद बानिक मैंने ज्वाइन किया जो मेरे प्रिपरेशंस को, मेरे ड्रीम्स को एक नया मोड़ दे सकती थी। तो बानिक उस वक्त नया नया आया था और बेहतरीन लोग थे उसमें जो अब तक भी हैं। जब मैं 2013 में आया था भुवनेश्वर, तब ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया था तो उम्र थी, एज था, नया नया आए थे भुवनेश्वर, तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, सब मज़े से चल रहा था। इसलिए उतना इंटेंसली पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो 3 घंटे 4 घंटे पहले पढ़ाई करते थे जब फंडामेंटल चल रहा था, तब मज़े में चल रही थी ज़िंदगी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये उम्र के साथ बीतता गया, सब हालात ऐसे हो गए कि मेरी उम्र अभी 28 साल हूँ। मैं अभी 28 साल का हूँ, मुझे 28 साल अभी चल रहा है। तो SBI क्लर्क अभी जो होने वाला है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जब 2017 में मैंने प्रीलिम दिया था तो 2017 में मेरा एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, जो कि मेरे लिए एक चिंता का विषय था क्योंकि मैं प्रीलिम्स हर बार क्लियर कर लेता था लेकिन मेंस मुझसे नहीं होते थे, मेंस में फेल होता था। 2013 से 2019 तक ये 6 साल में लगभग 77 एग्जाम्स मैंने फॉर्म भरे हैं। राजभाषा अधिकारी पंजाब सिंध बैंक का 75th नंबर एग्जाम था। अभी फिलहाल कल ही मेरा FCI में भी सिलेक्शन हो गया है। 77 एग्जाम में बहुत बार फेलियर देखने को मिला। कई बार प्रीलिम्स में फेल हुए, कई बार मेंस में फेल हुए। जब प्रीलिम्स में फेल हो जाते थे तब लगता था कि अभी तो कुछ होगा ही नहीं हमसे। जब प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा है तो मेंस कैसे होगा। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता गया हर एक फेलियर के साथ। एग्जाम बढ़ते गए, 50 थे, मुझे लगा 50 में ही हो जाएंगे, लेकिन 50 के बाद 60 70, वो बहुत ही मुश्किल हालात थी। सब पूछ रहे थे उसके बारे में कैसे हो रहा है। लेकिन एक समय था जब IPS RRB PO में फेल हो चुका था मेंस में, तब मैं खुद टूट चुका था और मुझे लग रहा था कि मैं ये क्विट कर दूं। बैंकिंग मेरे लिए नहीं बना या फिर मैं बैंकिंग के लिए नहीं बना, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। सर थे, गाइड थे मेरे, वो बताते थे कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। मैं खुद एनालाइज करता था कि किस तरीके से मैं खुद को पॉजिटिव रख सकूं। मैं अपने फ्रस्ट्रेशन किसी को कभी नहीं बताता था क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फैलता है, कम नहीं होता है। मुझे नहीं पता सामने वाले में फ्रस्ट्रेशन मुझसे कम है या ज़्यादा है। मेरे बोलने से अगर वो खुल गया और उसका फ्रस्ट्रेशन मुझसे ज़्यादा हुआ तो मैं और डिप्रेशन हो जाऊंगा, मुझे पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए खुद अपने अंदर ही फ्रस्ट्रेशन रखता था, खुद ही प्रिपरेशन करता था, अच्छे लोगों से मिलता था, दोस्त बहुत अच्छे थे मेरे, मेरा सर्कल बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती थे वो, मुझे मेहनत करना बताते थे वो किस तरीके से किया जाता था, ग्रुप अच्छा था मेरा। और इसी तरीके से मैं चलते IPS PO में भी मेंस में फेल हो गया था। फिर भी मैं हौसला नहीं हार रहा था। अभी राजभाषा अधिकारी IPS SO FCI RBI बहुत सारे एग्जाम्स में फॉर्म भरे थे। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन जारी रहा। 2018 में IPS SO के मेंस में इंटरव्यू देने के बाद भी जब 3 मार्क्स से चूक गया तो अप्रैल 1 को रिजल्ट देखने के बाद मैं टूट चुका था। मुझे लग रहा था भुवनेश्वर जाके प्रिपरेशन किया जाए या छोड़ दिया जाए।
लेकिन किसी तरीके से मैंने खुद को संभाल के अपना रूम शिफ्ट किया। पहले यहाँ इंस्टीट्यूशन के पास एक रूम लिया। मैं से पूरा आज तक मैंने अपने गाइड के चलते, गाइड जैसे कहते मुझे बताते, जिस तरीके से उन्होंने कहा, जिस तरीके का शेड्यूल उन्होंने मुझे बना के दिया, उसी तरीके का शेड्यूल मैंने फॉलो किया। उनके हिसाब से उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि 12 घंटे का पढ़ाई करना होगा, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है उसमें। आप 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। अभी हाल ऐसा था, कोई कुछ भी कहता, किसी तरीके के तक, कोई भी तरीका, कोई भी बताता, तो मैं मानने के लिए तैयार था। तो जब उन्होंने कहा 12 घंटे पढ़ने से होगा, तो ये भी करके देख लेते हैं, पहले 5 साल निकल चुके हैं, 6 साल होने वाले हैं, तो जो भी कहेंगे वो कर लूँगा मैं खुद से। तो उन्होंने लिख के दिया था, सुबह 5 बजे तुम्हें उठना है, 5 बजे उठोगे। उठते ही मैं अपना शेड्यूल, जो भी टारगेट फिलअप करता था, हर एक दिन का एक टारगेट होता था, जिसमें मैं लिखता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने पढ़ने हैं। उसके बाद मैं ये टारगेट उन्हें भेजता था, ताकि पता चल सके कि मैं उठ चुका हूँ, वो मुझ पर नज़र रख सकें, उनको मैं मुझ पर विश्वास था और मुझे उन पर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा, अब तक भी चलता है। वो उस शेड्यूल के हिसाब से मैं 5 बजे उठता था और पढ़ाई अपना शुरू करता था 6-7 बजे तक। फिर 7 बजे क्लास होते थे, मैं क्लास जाता था। 10 बजे 11 बजे तक क्लास खत्म होते थे, फिर 11 से 1 बजे तक मैं खुद पढ़ाई करता था। पहले पहले तो यहाँ खाना बना के खाते थे, तबीयत कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर इन सब के चलते कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा, तो होटल में ही खाने लगे। 1 से 2 के बीच खाने के बाद 2 से पूरा 5 बजे तक बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते थे। दोस्त लोग काफ़ी अच्छे थे, डिस्कशन वगैरह होते थे, ग्रुप डिस्कशन होते थे। तो उसी तरीके से मैंने अपना पॉजिटिविटी भी मेंटेन किया, अपना पढ़ाई भी कंप्लीट की। 5 बजे कहीं चाय पीने गए या कुछ किए, 5 से 5:30 बजे के बीच में, 5 से 5:30 बजे के बीच में अपना टाइम पास कर लेते थे। उसके बाद कंटिन्यूअस 9 बजे तक पढ़ाई करते थे बैठ के, और 9 बजे घर आ जाते थे, लेकिन सो नहीं जाते थे। 9 बजे से आने के बाद खाना खा के 10 बजे से 12 बजे फिर पढ़ना होता था, अपना शेड्यूल ख़त्म करना होता था। जो 12 घंटे का शेड्यूल है, वो इन समय में पूरा कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट करना होता था उन्हें, कि 12 बजे मैंने ये पढ़ाई किया है, ऐसे ऐसे पढ़ाई किया है। वो बहुत पनिशमेंट वगैरह भी देते थे, अगर ये कंप्लीट ना हो पाए, लिख देते थे ये करो वो करो और 1 घंटा पढ़ो। पनिशमेंट वगैरह बहुत आते गए। उन्हीं पनिशमेंट को मानते हुए लगता है आज ये मुकाम हासिल हुआ है कि राजभाषा अधिकारी बन गए। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता के साथ मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर कदम हर तरीके से मेरा सपोर्ट किया। माता पिता ने मुझे मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मेरी जर्नी देखी है पूरी, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी जी है खुद, किस तरीके से किया जाता है, मेरा स्ट्रगल खुद उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। वाणी की जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, कि उसका लाइब्रेरी फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। जब फोनी में पूरा भुवनेश्वर तबाह हो गया था, तब वाणी की लाइब्रेरी सबसे अच्छी तरीके से चल रही थी। और डे नाइट फैसिलिटी है, रात को भी आके पढ़ाई कर सकते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मेरे दोस्त या कोई भी मुझे पूछता है अभी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या हैं, क्या करना चाहते हो, तो एक शेर मुझे याद आता है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं राजभाषा अधिकारी बनना चाहता था, अभी राजभाषा अधिकारी बन चुका हूँ, तो एक मुकाम हासिल करना था, इसलिए अभी मैं अगर बनना चाहूँगा तो वो LIC का राजभाषा अधिकारी होगा, या RBI का होगा, या NABARD का होगा। तो राजभाषा अधिकारी ही बनना चाहूँगा, क्योंकि राजभाषा अधिकारी के बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है। अभी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन करने, वो 1 साल में थक जाते हैं या 2 साल में थक जाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन हाई हो जाता है, वो छोड़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। एक छोटी सी चीज़, एक झलक मैं उन्हें दिखाना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से।
हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, हम बैंकिंग टारगेट कर रहे हैं, कितने पोस्ट निकलते हैं, 300-400 पोस्ट निकलते हैं, लोग कितने अप्लाई करते हैं, 4 लाख, 40 लाख, 0.01% रेशियो है कि एक स्टूडेंट एक बैंकिंग जॉब पा सके। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस के बगैर ये हो नहीं सकता। मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कहा था, बैंकिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, तो पेशेंस ही चाहिए। मुझे 6 साल लगे क्योंकि मैं उतना अच्छा स्टूडेंट्स नहीं हूँ, मैंने टाइम लगा दी बहुत सारी चीज़ें करने में। मैंने अपनी असली पढ़ाई मई से शुरू की थी, ये 8 महीने में पढ़ा हूँ, 12 घंटे का शेड्यूल, ये 8 महीने में ये हो चुका है। ये 8 महीने आपको तय करना है, आप कब शुरू करना चाहेंगे, 2020 के 8 महीने दीजिए या 2021 के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।